नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। सनातन धर्म में नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर साल दो बार गुप्त नवरात्र आते हैं, एक माघ के गुप्त नवरात्र और दूसरा आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का विधान है। विद्वानों का कहना है कि इनकी पूजा और साधना से हर तरह की परेशानी दूर होती है और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। साल 2024 की पहली गुप्त नवरात्रि आज यानी 10 फरवरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो चुकी है। नवरात्र के दौरान गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र साधना के लिए ये नवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। शास्त्रों में इस दौरान खास सावधानियां बरतने को कहा गया है, वरना माँ देवी रुष्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि में कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम, चाहे आप गुप्त नवरात्रि में पूजन व्रत करें या ना करें, लेकिन इन 9 दिनों तक मांस मछली मदिरा लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो इससे आपके जीवन में धीरे धीरे कंगाली छाने लगती है। वहीं गुप्त नवरात्रि के दौरान आपके यहाँ कोई भी आए, चाहे वह भिक्षुक ही क्यों ना हो, भूलकर भी उसका अपमान ना करें। जो लोग निर्धनों असहायों को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा उनसे क्रोधित हो जाती हैं। इसी के साथ जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। बताते चलें कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में देर तक सोने की मनाही है। बता दें कि माँ आदिशक्ति एक नारी है, यह उनकी उपासना यानी शक्ति की पूजा का पर्व है। इन 9 दिनों में या अन्य दिनों में भी किसी नारी का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ना जाने आपके जीवन में कितने ही दुख दर्द और कष्ट आएंगे। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र और चमड़ी की बनी चीजों जैसे बेल्ट जूते आदि का प्रयोग ना करें। खासतौर पर पूजा के समय भूलकर भी चमड़ी की बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान बेबस पशु पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना आदि वर्जित माना गया है। यदि आपने कलश स्थापना की है तो भूलकर भी घर में ताला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माँ आदिशक्ति इन 9 दिनों तक आपके घर विराजती हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान इन नियमों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको जीवन में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।